डानियल, पहले मुबारक हो आपको, बहुत शानदार आज आपकी कारकर्दगी। मजमूई तौर पर देखा जाए तो फाइटिंग स्कोर था और एंड पे जो सेंचुरी खेली आई, ये क्यों आई? तो कम स्कोर हुआ या इससे ज़्यादा की उम्मीद थी, क्या हुआ? अब हर टीम की ख्वाहिश तो ये होती है कि वो स्कोर अच्छा ही सेट करे, तो सब ने कोशिश की हमारी टीम में से भी, बट जितना हमसे हो सका उतना अच्छा हमने टारगेट्स अचीव किया। और दूसरी बारी में क्योंकि विकेट इतना आसान नहीं था, क्योंकि विकेट को समझना, उसके अकॉर्डिंगली बॉलिंग करना, ये ज़्यादा मैटर करता, तो हमने अपने उसी प्लान पर स्टिक रहे और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स बॉल खेलें, ना कि हम आउट करने जाएँ, वो आउट खुद ही होंगे। तो ये हमारा एक प्लान हमें दिया हुआ था, तो हम उसी प्लान पर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमें सक्सेस मिली। इमाम भाई जो है, उन्होंने हमें एक ही प्लान दिया हुआ था, क्योंकि वो विकेट को सेस उन्होंने ही किया, और हम भी, क्योंकि हमने बॉलिंग करनी थी, हमें भी पता चल रहा था कि विकेट क्या डिमांड कर रही है। तो इमाम भाई और हम बोल रहे हैं कि एक ही बात, लाइक हम एक भी मुतफिक हो रहे थे एक ही बात पे कि सिर्फ विकेट टू विकेट हमने रहना है, और हमने कुछ ऐसी चलाकियाँ नहीं करनी कि जिसमें बैट्समैन का हाथ खुले, वो खुद ही जाएगा चेस करने अच्छे बॉल को, तो अच्छी बात है। अगर हम बुरे बॉल देंगे बस, वो नहीं हमने देने बुरे बॉल, तो बस हम अपने एक प्लान पर रहे हैं जिसपे हमें सक्सेस मिली है, बस। थैंक यू। मेरी नज़र में खतरा मैं किसी को नहीं समझता, क्योंकि क्रिकेट है, इसमें जिसने पूरी पूरी प्रिपरेशन की हुई है क्रिकेट में, तो उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। हाँ, वो अपने प्लान पे अगर पूरा अमल करता है और अगर उसी पे ही फोकस रहे, तो उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि बैट्समैन का कभी मैं नहीं समझता कि मुझे खौफ होगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन की भी है, तो मैं उसी पे रहता हूँ, तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे कोई बैट्समैन तंग करेगा। हाँ, वो अच्छा खेल जाए मेरी अच्छी बॉल्स पे, तो वो उसकी अच्छी एक क्लास है, बट मेरा जो है कि मैं किसी से कभी घबराया नहीं कि यार मुझे इससे टेंशन है या कुछ, मैं अपनी तैयारी करके आऊँ, सो आई एम कॉन्फिडेंस।